अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यार अच्छा है ना दादी, दम अलंता। और पता आपका जो कमरा है ना, वो हम खुद डिजाइन का है अपने हाथों से। अम्मा अम्मा देखो, शिवाय का ताबीज का रंग बदल गया, लाल हो गया ये। हाँ ये बेटा, इसका मतलब तुम रचिका से मिले थे है? शिवाय तुम किसी लड़के से मिले थे, किसी ने छुआ था तुम्हें? याद करो बेटा, याद करो। आप एक गर्ल ने तो छुआ था हमें। स्पेशल? नहीं 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 दादी, यू रॉन्ग मम्मी, यू रॉन्ग। वो स्पेशल नहीं हो सकती। तू ऐसे कैसे कह सकता है? अरे क्योंकि वो लड़की घर ही नहीं आई थी 4 स्वयंबर। अब क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब वो शिवाय की जन्मपत्री स्वयंवर में आई हुई लड़कियों से मिलवाई थी मैंने, किसी से मेल नहीं हुआ। बस एक लड़की थी जिसकी जन्मपत्री मुझ तक नहीं पहुंची, शायद ये वही लड़की होगी जिसके साथ में शिवाय का मेल लिखा है। अरे वो दामिनी मैम होंगी। हैं? हैं? हाँ दामिनी टीचर। अरे हाँ वो आई थी ना उस दिन स्वयंवर में। दामिनी? पता नहीं उसके बाद दिखी नहीं मुझे, मतलब मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद क्या हुआ था। अरे हाँ दामिनी टीचर मिली तो थी हमें और छुआ भी था। दामिनी टीचर रक्षिता? अब जाकर मेरे सपनों के राजकुमार को एक चेहरा मिला है। हाँ याद आया हमें, दामिनी टीचर ने छुआ तो था हमें। तू जानता है उसे? वो मोक्ष। मैं आता हूं। शिवाय अभी हमें उस रचिका की बहुत जरूरत है बेटा, एक वही है जो हम सबको बचा सकती है, और इसके लिए हमें उससे तेरी शादी करानी होगी। मम्मी व्हाट यू सेइंग? शिवाय द रॉकी स्टार, शादी? नो नेवर। आपको तो पता नहीं कि हमारे अंदर का शैतान जो है वो कभी भी बाहर आ जाता है, और हम नहीं चाहते कि किसी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी हम खतरे में डालें। और दामिनी टीचर के साथ तो कतई नहीं, उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हम। तो क्या जीवन भर कुंवारा रहने का इरादा है? वो तो पता नहीं हमें, लेकिन इतना जानते हैं कि जिससे भी हम शादी करेंगे उसे हमारी जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए, हमारी सच्चाई पता होनी चाहिए उसे। और वैसे भी हमने घर तो बदल ही लिया है ना, हमें नहीं लगता कि वो साया इस घर तक पहुंचेगा। हैं? कहा था ना वो आ गई। हाँ दादी वो हवा से बंद हो गया होगा। हवा? मैं घर की आत्मा हूँ और मैं इस गंदी राखिन को फिर से देव की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पिछली बार देव और पारो हारे थे, मगर इस बार पार्वती और शिवाय जीतेंगे, उनका प्यार जीतेगा। देखा, हमने कहा था वो आएगी,
अब देख लो वो आ गई है और अब ये हम लोग को छोड़ेगी नहीं। हाँ दादी संभाल के हाँ आप पीछे रहिए थोड़ा मम्मी। आ, आ, मम्मी नंदिनी शिवाय क्या चाहती क्या वे काहे हमारे परिवार के पीछे पड़ी हो। तुम्हें क्या लगता था घर बदल लेने से मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। बस 3 दिन और फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लूंगी। तुम्हें तो हम नंदनी शिवाय मैं शिवाय बेटा इस हाथ में भी हमारी नंदिनी का क्या हाल कर दिया है। बहुत दर्द हो रहा है बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा तुझे जल्द से जल्द अपनी से शादी करनी होगी वरना ये डाकिनी सबको बर्बाद कर देगी किसी को नहीं छोड़ेगी। नंदिनी पर उससे पहले हमें ये देखना होगा कि दामिनी ही वो रचिका है जो शिवाय की रक्षक बन सकती है। आज तो एकदम मजा ही आ जाएगा पार्टी में। ए रुको बेटा कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर के कहाँ जा रहे हो। अरे मेरी प्यारी दादी आज ना दामिनी मैम का बर्थडे है तो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पार्टी में बुलाया है। शिवाय बेटा तुझे भी तो जाना चाहिए ना तुम तो उसके स्टूडेंट हो ना। अरे ताई जी आज पार्वती मैम का भी बर्थडे है और हमारे शिवाय भैया और पार्वती मैम दोनों की ना थोड़ी जमती नहीं। हाँ तो क्या हुआ आज उनका जन्मदिन है ये तो बड़ा अच्छा दिन है, है? बेटा जाओ जा करके माफी मांग लेना और बात को वहीं के वहीं खत्म कर देना है? अरे लेकिन दादी मम्मी को शालत में कैसे छोड़ के जाएंगे हम। क्या हुआ माँ को क्या हुआ कुछ भी तो नहीं। अरे हाँ वो ना नए नए घर में आए हैं बेटा तो एकदम जरा थकावट हो गई है। अब बाकी चिंता किस बात की हम तो है ना उनके पास। बेटा शिवाय रुको हम आते हैं। आ जा रही है दादी। अरे आ रहे हैं रुको तो सही। बेटा शिवाय ये कहाँ है ये फूल है दामिनी मैडम को देना नहीं समझे ले दामिनी के हाथ में ही देना ठीक ले मुंह फॉरवर्ड। अरे ए, अरे कहाँ क्या हो गया यार तो हो जाओ जरा अच्छा नहीं लग रहा है का? अच्छा लग रहा है और रेडी हो जाओ भैया काम करो तुम निकलो हम अपने डार्लिंग के साथ आते हैं तैयार होकर। ये कमरा है मेरा। नंदिनी हमने ना उन फूलों के बीच में एक कली रख दी है कैसे कि अगर रचिका शिवाय को मिल जाती है तो कली फूल बन जाएगी और अगर दामिनी ही रचिका है तो फिर तो फूल जरूर खिल उठेंगे। शिवाय में जरूर कोई ना कोई मैजिक है पर जो भी है उसने मेरी माँ की दी हुई स्कूटी मेरी गिफ्ट उसका कबाड़ा बना दिया और इसके लिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी।
कभी माफ नहीं करूंगी उसे। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।